नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल माई फूल फ्लावर गार्डन, और मैं आपको अपने गार्डन में लगे हुए मॉस रोज फ्लावर आपको दिखा रहा हूँ, जो एक साथ लगने में काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। मैंने इनको एक साथ कई रंगों में लगाया है और इनका एक मॉस रोज टावर नाम से दे रखा है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। मेरे पास इनके कई रंग हैं, जैसे कि वाइट, येलो, ऑरेंज, पिंक, डबल सेट पिंक, ये देखिए कुछ यूनिक, और ये लगभग मेरे पास 20 से 25 कलर इनके हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे टेबल रोज, मॉस रोज, सन रोज, 9 o'clock, 9 बजिया, कई नामों से इन्हें जानते हैं। मैंने अपने गार्डन में एक साथ इनको लगा रखा है। इनकी प्रोपगेट की बात करें तो इनको छोटी से छोटी कटिंग लेके आप इनको लगा सकते हैं और आसानी से लग जाते हैं, और इनको आप बीज से भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। देखिए, एक साथ लगाने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक मेरे गार्डन में दिख रहे हैं। ये देखिए मेरा मॉस रोज फ्लावर टावर, आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, एक साथ लगने में और एक साथ रखने में सभी रंगों को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दिखता है। ये देखिए मेरे गार्डन में काफ़ी खूबसूरत और खूबसूरती बिखेर रहे हैं। यह मेरे मॉस रोज फ्लावर प्लांट। इनमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप महीने में एक बार इनको फर्टिलाइज़र DAP या बर्मी कंपोस्ट या कार्बन कंपोस्ट दे सकते हैं, NPK का स्प्रे भी कर सकते हैं। यह मैं इनको बस 15 दिन में एक बार DAP के दाने दिए हैं, इसी से यह इतने अच्छे ब्लूमिंग पर हैं। इनकी सॉइल की बात करें तो जैसे सभी गमलों में लगाते हैं, ऐसे ही इनको भी एक बैलेंस सॉइल में आप इन्हें लगा सकते हैं। ये देखिए, वैसे मैंने इनको एक भाग सैंड, एक भाग मिट्टी और एक भाग बर्मी कंपोस्ट में लगा रखा है। इनमें ब्लूमिंग के लिए आपको इनको फुल सनलाइट में रखना है, जितनी इनको धूप मिलेगी उतने ही यह अच्छे आपको फूल देंगे। ये देखिए, ये एक सर्कुलेंट फ्लावर प्लांट है, जिससे इनको वाटरिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। आप भी इनको बिल्कुल पॉट सूख जाए जब भी इनको वाटर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू।